हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम पीजीटी केमिस्ट्री 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी केमिस्ट्री 2021 जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन पेपर है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 42 तक के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम 43 से लेकर 91 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जनरली जो पीजीटी केमिस्ट्री होता है उसमें टोटल 125 क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड आते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके जो है 125 है। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, आपका सिलेबस क्या है, ये सब हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोज पीजीटी केमिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपको मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था द एक्सप्रेशन फॉर जूल थॉमसन कोफिशियंट, यानी जूल थॉमसन कोफिशियंट, यानी जिसे आप बोलते हैं म्यू जे टी, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे डी वाला क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। अभी हम यहाँ सिर्फ इसके आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं, अभी इसके सोल्यूशन क्वेश्चन पेपर डिस्कशन के बाद हम इसके सोल्यूशन आपसे प्रोवाइड डिस्कस करेंगे। 44 है, व्हिच ऑफ वन ऑफ द नॉट न्यूक्लियोफिलिक इन द फॉलोइंग, क्या इसमें से न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो ये क्या है आपका, कार्बिन है, CH2। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द एनोडिक ऑक्सीडेशन इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ आइस कोल्ड H2SO4 50% बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एट हाई करंट डेंसिटी गिव्स, तो क्या देता है, मार्शल एसिड। अभी इसके पहले आपको मार्शल एसिड में यस डबल बॉन्ड ओ कितने ही पूछा गया था, तो मार्शल एसिड देख रहे हैं। इस सब टाइप के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको ओलियम एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, डाइथायोनिक का पता होना चाहिए, कैरो एसिड, जितने भी आग जो एसिड हैं, सल्फर्स के हो गए, ऑक्सीजन के हो गए, फास्फोरस के आग जो एसिड हो गए, सारे आग जो एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, पूछा है PCl5 अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या मिलता है। तो इसे PnCl2 4 और 12 HCl मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द फोटोकेमिकल रिएक्शन विथ क्वांटम इल्ड 2, यहाँ पे कौन से फोटोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें जो 2 क्वांटम इल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे आप पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ डायटामिक गैस मालिक्यूल्स, तो अगर कोई गैस है वो डायटामिक से, दो एटम्स हैं, डायटामिक का मतलब क्या है, दो एटम्स हैं, उनका मोलर हीट कैपेसिटी का रेशियो अगर आप निकालते हैं तो उसका रेशियो जो आता है 1.30 आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है, कैन बी फॉर्म फ्रॉम K2PtCl4 बाई हुच वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंसेज ऑफ सबस्टिट्यूएंट ऑफ द क्लोराइड आयन। तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा ट्रांस इफेक्ट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ट्रांस इफेक्ट, किसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, तो एक क्वेश्चन उसी ट्रांस इफेक्ट का है। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको ट्रांस इफेक्ट की सीरीज मिल जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल रेजोनेंस इज पॉसिबल, किसके डी ऑर्बिटल्स में रेजोनेंस पॉसिबल है, तो CCl3-, ऑप्शन बी क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, 54 नंबर क्वेश्चन है, द कोलेजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स इज ओनली वैलिड फॉर, तो जो कोलेजन थ्योरी है किसके लिए सिर्फ वैलिड है, सिंपल बाई मालिकुलर रिएक्शन। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, जो भी आपकी कोलेजन थ्योरी है वो सिंपल बाई मालिकुलर रिएक्शन के लिए ही ओनली वैलिड है। अगला क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, मिलर इंडिसेस से, द मिलर इंडिसेस ऑफ ए क्रिस्टल पेन व्हिच कट थ्रू द क्रिस्टल एक्सिस एट 2A 3B C इच, तो इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो 3 to 6 आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला आप देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ए सिलेंड्रिकल सिमेट्री, तो किसकी का सिमेट्री क्या होगी, सिलेंड्रिकल होगी, तो इसमें कौन सा डिफरेंट ये थे, एथाइन, तो एथाइन की सिमेट्री क्या होगी यहाँ पे, सिलेंड्रिकल होगी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए मॉलिक्यूल इन वाइब्रेशनल मोशन इज एसोसिएटेड विथ एनर्जी इक्वल टू द फॉलोइंग, तो किसके इक्वल होगा, KT के इक्वल होगा, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो KT के इक्वल होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट कोगलोटिंग पावर ऑफ AS2S3 कोलाइड, सबसे ज़्यादा कोगलोटिंग पावर किसकी होती है, तो जिसके
कैटायंस की संख्या ज़्यादा होगी सबसे, उसकी कोगुलेटिंग पावर भी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। तो सबसे ज़्यादा चार्ज ऑफ कैटायन किसमें है, Al3+ में, तो इसकी कोगुलेटिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इंटरमीडिएट फॉर्म ट्रिप्टिसिन ऑन रिएक्शन विथ एंथ्रासीन। तो ट्रिप्टिसिन की रिएक्शन जब कराएंगे एंथ्रासीन के साथ, किसकी रिएक्शन कराते हैं कि आपको ट्रिप्टोसिन मिलता है, तो बेंजाइन की रिएक्शन कराते हैं। जब भी बेंजाइन एंथ्रासीन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका ट्रिप्टिसिन मिलता है, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके आगे कार्बिन क्या होता है, नाइट्रीन क्या होता है, कार्बोकेटाइन क्या होता है, इन सब की वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैन बी डन बाय द प्रोसेस। जो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसकी सिंथेसिस आप किसके द्वारा करते हैं, तो इसके लिए जो रिएक्शन यूज करते हैं वो उर्टजी रिएक्शन होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पे दिया है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड प्लस 9CO, यहाँ पे प्रोडक्ट बना के दिया है, पूछ रहा है कि रिएक्शन कौन सी होगी। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है, तो रिडक्टिव कार्बोनिलेशन रिएक्शन होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए 5.13% सुगर सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ 0.9% अननोन सोल्यूशन, द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो मोलर मास जब आप निकालेंगे इसका सॉल्यूट का तो 60 आएगा। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटालोजामी डू नॉट कंटेन जिंक। कार्बोक्सी पेप्टाइज में भी जिंक होता है, कार्बोनिक एनहाइड्राइज में भी होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनीज में भी होता है, केवल नाइट्रोजनीज एंजाइम में जिंक नहीं होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 64 है, अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा स्लो लग रही है तो आप हाई स्पीड में भी करके देख सकते हैं। इसके जो भी कंप्लीट सोल्यूशन है हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा। 2016 के कंप्लीट सोल्यूशन हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, दी वर्क डन इज डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ जिंक इन एन इक्वस SCl इन ओपन बीकर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 2.494 किलो जूल। अगला है 65, हु फर्स्ट यूज फिनाइल आइसो थायोसाइनेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए पेप्टाइड। तो इसके लिए फेयर एडमन यूज करते, फेयर एडमन ने यूज किया था पहली बार पेप्टाइड की सिंथेसिस। अगला क्वेश्चन है 66 में पूछा था कि जो आर्डर होगा इन तीनों रिएक्शंस में किसका आर्डर क्या होगा, तो आर्डर इसका बी वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 था, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें अगर आप हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो इसमें आपने एंथ्रासीन का भी प्रिपरेशन पढ़ा होगा, नेफ्थलीन का पढ़ा होगा, फिनेन्थ्रीन का पढ़ा होगा। तो इसका जो एंथ्रासीन के प्रिपरेशन, इससे जब हीट करेंगे तो एंथ्रासीन मिलेगा आपको। इसके अलावा फिनेन्थ्रीन कैसे बनाते हैं, नेफ्थलीन कैसे बनाते हैं, 2-मेथाइल एंथ्रासीन क्या होता है, सबका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए उसके साथ साथ जितने ऑप्शन दिए हैं सबके बारे में अपने नोट्स बुक में लिखते चलिए। अगला है, सेलेक्ट द क्रिस्टल सिस्टम व्हिच हैज नो सिमेट्री। तो ट्राइक्लिनिक के पास कोई भी सिमेट्री नहीं होती है। इसके लिए हमने अपने चैनल पे एक ट्रिक डिस्कस की है, क्यूट और मदर। तो क्यूट और मदर वाले अगर ट्रिक लगाएंगे आप तो आपको सारे क्रिस्टल सिस्टम की जो टेंडेंसी है वो पता चल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 69 था, नेफ्थिलीन ऑन ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक ट्राई ऑक्साइड एंड एस्टिक एसिड। तो जब भी आप नेफ्थिलीन का ऑक्सीडेशन कराएंगे क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड CrO3 के प्रेजेंस में एंड एस्टिक एसिड, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जो भी ऑप्शन सी वाला होगा वो राइट आंसर होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 70 है, द पेयर ऑफ आयंस दैट मोस्ट कॉमनली फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम कॉपर एंड मर्करी। अगला है 71 नंबर क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद सिलेनियम डाइऑक्साइड। जो भी आपका एसीटोन है फार्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एसीटोन है, इसकी रिएक्शन किससे कराना है, या CO2 के साथ कराना है, सिलीनियम डाइऑक्साइड। तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, सी वाला बनेगा, दिस प्रोडक्ट इज द फॉर्म। अगला यहाँ पे आपको मैच करना है किसका कौन सा होगा,
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले वाले का जो होगा CaOH2, इसका व्हाइट डस्ट होगा। NaCl क्या होगा, कहाँ यूज किया जाता है, एंट एसिड में। CaSO4 कास्ट ऑफ स्टेचू। CaCO3 वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन। तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट होगा, नहीं थर्ड का ये होगा और फोर का क्या होगा, सी होगा। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ होगा, वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन में। तो इसका आप मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। 73 क्या होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा नहीं करेक्ट है। तो CS+ इज हार्डर एसिड देन लिथियम प्लस, ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। 74 है, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 mm सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 210 ohm एट 25 डिग्री सेल्सियस द मोलर कंडक्टेंस। यहाँ पे आप क्या पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप कंडक्टेंस पढ़ते हैं, वहाँ से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऑप्शन 4D होगा राइट आंसर। 78 होगा, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस अपॉन ट्रीटमेंट ऑफ कीटोन विथ KCSN टू फॉर्म ए साइनोहाइड्रिन। तो जो भी आप कीटोन की रिएक्शन कराते हैं, जो भी आपका रिएक्शन होता है एल्डिहाइड और कीटोन का, इसकी रिएक्शन जब आप SCN के साथ कराते हैं, तो इस रिएक्शन में आप क्या देखते हैं, ये आपका एल्डिहाइड हो गया अथवा कीटोन, कुछ भी हो गया, इसकी रिएक्शन SCN के साथ कराते हैं तो CN- होता है, S+ होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, आके यहाँ से अटैक करता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। तो कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला 76 है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन क्विनोलिन टेक्स प्लेस प्रेफरेंशली एट व्हिच पोजीशन। तो क्विनोलिन का जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है किस पोजीशन में प्रीफर करता है, तो 8 नंबर पोजीशन में। अगला 77 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट स्टेबल स्पीसीज। तो AgI2 डज नॉट स्पीसीज, CoF6-3- डज नॉट स्टेबल, CoNCS4-2- मोस्ट स्टेबल पूछा है, तो ये सारी स्पीसीज क्या होंगी, मोस्ट स्टेबल होंगी। अगला देखेंगे 78 पूछा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉलोइंग इक्वल सोल्यूशन आर इक्वल, सेलेक्ट द सोल्यूशन विथ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो सोल्यूशन ऑफ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पोटेशियम फास्फेट होगा। आप सारे क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन है, आप खुद को सॉल्व कीजिएगा और उसके साथ साथ जितने ऑप्शन दिए हैं उस ऑप्शन को के बारे में भी अपने नोटबुक में रखिएगा। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर PGT केमिस्ट्री एग्जामिनेशन के लिए। 79 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी प्रीफर्ड टू रिमेन ऑन द लेफ्ट साइड। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज यूज टू एक्सप्लेन होमोजीनियस कैटालिस्ट। होमोजीनियस कैटालिस्ट को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए आप थ्योरी यूज करते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, इंटरमीडिएट यौगिक सिद्धांत, ऑप्शन इज द राइट आंसर। पूछा है करेक्ट ऑर्डर LMCT एनर्जी, LMCT एनर्जी का जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो क्या होगा। तो ऑप्शन जो फर्स्ट होगा, जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो LMCT एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, वैनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज का, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला पूछा है इन लिक्विड अमोनिया सल्फेमिक एसिड बिहेव एज ए, जो भी लिक्विड अमोनिया के केस में जो सल्फेमिक एसिड होता है कैसे बिहेव करता है, तो डाई बेसिक एसिड के जैसे बिहेव करता है। अगला 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द इक्वल सोल्यूशन ऑफ ए साल्ट ऑफ वन ऑफ द गिवन लेंथ इन एडाइंस इज यूज एज ए बॉलीमेट्रिक स्टैंडर्ड्स इन रिडॉक्स रिएक्शन आइडेंटिफाई द लेंथ इन एडाइंस। तो कौन सा लेंथ इन एड है जो रिडॉक्स रिएक्शन में वॉलीमेट्रिक स्टैंडर्ड्स के रूप में यूज किया जाता है, तो Cr4+ होता है। इसके अलावा भी आप जानेंगे Cr4+ में कलर देता है, जबकि 3+ में क्या होता है, कलरलेस होता है। ये लेंथेनाइड आपकी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है PGT केमिस्ट्री एग्जाम्स के लिए, सारे लेंथेनाइड आयंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। 84 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव हैलोफार्म रिएक्शन। तो हैलोफार्म रिएक्शन कौन सा नहीं देगा, तो जो भी आप हैलोफार्म रिएक्शन होता क्या है, इसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से हैलोफार्म टेस्ट देंगे, कौन कौन से नहीं देंगे। तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, द स्पीसीज I=I0e^AD इज नोन एज। तो इसे क्या बोलते हैं, लैम्बर्ट वीरला। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
कैलोमल इलेक्ट्रोड इज एन एग्जाम्पल सा, जो भी आपका कैलोमल इलेक्ट्रोड है उस किसका एग्जाम्पल है? मेटल इनसॉल्युबल, मेटल अनसॉल्युबल, सेम एनायनिक। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पूछा गया है कि ये जो रीअरेंजमेंट हो रहा है ये कौन सा रीअरेंजमेंट है? तो एक आपका कार्बोहाइड्रेट का डिवीजन है, लोवरी डे ब्रेन वन आइंस्टीन रीअरेंजमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 88 है, व्हिच कार्बन आयन इज मोस्ट स्टेबल एमंग गिवन विलो, सबसे ज़्यादा कौन सा कार्बन आयन स्टेबल होगा? तो कार्बन आयन के केस में अगर स्टेबिलिटी देखना है तो हाइब्रिडाइजेशन से देख लीजिए। यहाँ पे क्या होगा? sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा एंड sp3 होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? sp की होगी। अगला है, द टेम्परेचर एबव व्हिच इज ए रियल गैस कैन नॉट लिक्विफाइड इज नोन एज। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर रियल गैस जो है लिक्विफाइड नहीं हो सकती है? तो ऐसे टेम्परेचर को आप क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज आल्सो कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट थ्री एस एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो थ्री एस एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अगर आप नोड देखते हैं तो थ्री एस ऑर्बिटल्स में अगर आप नोड्स देखते हैं तो नंबर ऑफ नोड्स वहाँ पे क्या आते हैं? टू आते हैं। तो सारे ऑर्बिटल्स में नोड चेक कर लीजिए कहाँ पे टू नोड्स मिल रहे हैं आपको। तो आप अगर सारे ऑर्बिटल्स को उठा के नोड देखेंगे तो यहीं पे आपके टू नोड आएंगे। तो ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे ईएएन रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पीजीटी केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन के लिए। आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे सारे क्वेश्चन पेपर में आपका ईएएन रूल पूछा गया है। और ईएएन रूल अगर आप देखेंगे तो हमने अपने चैनल पे भी वीडियो अपलोड किया है कि हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ईएएन रूल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें पूछा कि कौन सा ओबे नहीं करता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को। तो ऑप्शन जो बी वाला होगा, बी सी ओ सिक्स डज नॉट फॉलो द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ये नहीं फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 43 से लेके 91 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसके आगे हम हमारा जो पार्ट फोर होगा उसमें हम 92 से लेके 125 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आने वाले समय में आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं इस बारे में हमसे ज़रूर कंसल्ट करें। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।